मैं एक बच्चे की तरफ आपको इशारा करूंगा। एक बच्चा है रोहन, मैं रोहन की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ। नयन जी, अगर आप मदद करेंगे, रोहन का केस क्या है? जी चंदन, जैसे यहाँ मुझे दिख रहे हैं कि रोहन 10 साल के हो गए हैं ना, तो वो शायद किसी वजह से कक्षा 2 के बाद विद्यालय नहीं जा पाए। अब उसके परिवार वाले उसे फिर से चाहते हैं कि अब ये दोबारा स्कूल जाए, या फिर उनको किसी ने समझाया। तो अब ऐसी स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए, मतलब वो उसका एडमिशन ले या ना ले? आप सब सोचें उसमें कि रोहन एक बालक है, 10 साल का है। वो परिवार के कारण बहुत सारे डायनेमिक्स होते हैं। हर बच्चे के पारिवारिक कारण अलग। उसकी वजह से कक्षा 2 तक ही वो गया था, और उसका वापस दाखिला करने की परिवार कोशिश कर रहा है। कुछ सालों बाद डेफिनेटली वो गैप आपको दिखता होगा। अब विद्यालय क्या करेगा? विद्यालय के पास पड़ोस में एक विद्यालय वहां पर एडमिशन ले लिया, या तो मना कर देगा, नहीं साहब बहुत बड़ा गैप आ गया, अंतिम कक्षा जो पास की थी उसके अनुसार प्रवेश दे देगा, या फिर विद्यालय रोहन की आयु के अनुसार प्रवेश देगा। जी, देखिए ये है, थोड़ा चंदन, मुझे लगता है कि विद्यालय मना तो नहीं कर नहीं सकते किसी करेगा। बच्चे को, पर बी वाला शायद कक्षा 2 के जो बच्चे होते हैं वो 6-7 साल के होते हैं और रोहन 10 साल का हो गया है, तो जो जी बी वाला है वो अंतिम कक्षा पास करने के अनुसार अगर उसे प्रवेश देते हैं तो शायद थोड़ा ये होगा कि वो बच्चों के आयु में बहुत अंतर दिखेगा वहाँ। इसमें मिक्स ओपिनियन आएंगे, मुझे पता है। ए वाला तो यह है कि राइट टू एडमिशन, मैं एडमिशन डिनाई नहीं कर सकता सेक्शन 5 के। तो जी वो जो सेक्शन 5 है वो तो सीधे सीधे बोलता है, भाई आप एडमिशन डिनाई तो कर नहीं सकते, या तो मैं बीच में छोड़ दूं, वापस जाना चाहूं, मेरे पिताजी कहीं दूसरी जगह जाके कार्य करने लग गए, चाहे वो इंटर स्टेट हो इंट्रा स्टेट हो, तो वहां पे भी मुझे एडमिशन डिनाई नहीं किया जा सकता। मेरी टीसी पुराने स्कूल से निकलेगी और वो दी जाएगी, है ना, इसमें कानूनी प्रावधान है। तो ए वाला तो ये कहता है, लेकिन यहाँ पर रोहन के केस में एडमिशन तो दिया जाएगा, तो ए वाला तो होगा। ए वाला तो नहीं होगा, क्योंकि एडमिशन तो देना ही पड़ेगा। लेकिन अब मैं उसको तीसरी कक्षा में लूँ, क्योंकि दूसरे की टीसी मिली है, दूसरा पास है, दूसरा तक ही गया, या फिर मैं एज अप्रोप्रिएट दूँ, तो इस पे हम हाईलाइट करना चाहेंगे कि सेक्शन 4 एज अप्रोप्रिएट एडमिशन की तरफ इशारा करता है। ये कहता है कि 6 वर्ष से ज्यादा उम्र के ऐसे बच्चे जिनका किसी स्कूल में प्रवेश नहीं हो पाया है, या फिर वो किसी प्रकार से प्रवेश है पर प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाए, तो उन्हें अपनी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, उम्र के अनुसार। तो जोशी जी, अगर मैं ये देखूं तो 10 साल का रोहन हो गया है, तो टेक्निकली वो आई थिंक कौन सी कक्षा में फिट हो पाएगा? 5वीं। हाँ, 10वीं के अगर अगर उम्र के अनुसार होगा तो 5वीं में जाना चाहिए, 10 वर्ष। जी ठीक है।